बच्चों, कल मैंने आप लोगों को शब्दालंकार के बारे में बतलाया था, आज अर्थालंकार के बारे में बतला रहा हूं। तो सर्वप्रथम मैं उपमा अलंकार के बारे में बतलाऊंगा। काव्य में जहां पर समान गुण धर्म के आधार पर उपमेय की समानता उपमान से की जाती है, वहां पर उपमा अलंकार होता है। इसको और सरल भी इतना भी यदि आप बताएंगे कि जहां पर उपमेय की समानता उपमान से की जाती है, वहां पर उपमा अलंकार है। और इसको और भी अच्छी तरह से आप कह सकते हैं कि काव्य में जहां पर समान गुण धर्म के आधार पर किसी व्यक्ति वस्तु अथवा प्राणी अर्थात उपमेय की समानता किसी अन्य व्यक्ति वस्तु अथवा प्राणी अर्थात उपमान से की जाती है, वहां पर उपमा अलंकार होता है। वैसे आपके लिए सबसे सटीक परिभाषा यही रहेगी कि काव्य में जहां पर समान गुण धर्म के आधार पर उपमेय की समानता उपमान से की जाती है, वहां पर उपमा अलंकार होता है। उदाहरण जैसा कि बच्चों मैंने बताया है कि उदाहरण मैं पहला उदाहरण अपना ही दूंगा, अपनी द्वारा रचित कविता का ही उदाहरण प्रस्तुत करूंगा। उदाहरण है, कनक थाल सा नील व्योम में जब दिनकर उग आया, तिमिर पलायन किया त्वरित ही एक पल ठहर न पाया। कौन सी कविता? कनक थाल सा नील व्योम में जब दिनकर उग आया और तिमिर पलायन किया त्वरित ही एक पल ठहर न पाया। इसका अर्थ है कि जब नील व्योम में यानी नीले आकाश में कनक थाल सा यानी सोने के थाल की तरह सूर्योदय हुआ, दिनकर उगाया यानी भगवान भुवन भास्कर उदित हो गया, तो तिमिर पलायन किया त्वरित, तो भगवान भुवन भास्कर के उदय होने के त्वरितोपरांत अंधकार भाग खड़ा हुआ, वह एक क्षण भी टिक नहीं पाया। तो यहां पर देखिए, उपमेय समान गुण धर्म के आधार पर उपमेय की समानता उपमान से की। तो देखिए, भगवान सूर्य की समानता कैसे की गई है, तो किसकी तरह है? कनक थाल यानी सोने के थाल की तरह। किसकी तरह? सोने के थाल की तरह। तो आप स्पष्टीकरण में लिखेंगे कि उपर्युक्त पंक्ति में समान गुण धर्म के आधार पर दिनकर अर्थात उपमेय की समानता उपमान यानी कनक थाल से की गई है, अतः उपमा अलंकार है। अच्छा, मैंने अनुप्रास अलंकार में जो उदाहरण आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया था, वह उपमा अलंकार भी है। उसको मैं एक बार फिर सुना देता हूं कि कुंचित है केश काले और काया तो कनक सी है, कटिका कनक लेके कहां गई कामिनी, और नागिन सी लटे हैं लटकती ललाट पे जो, लगती है जैसे कृष्ण पक्ष की हो यामिनी, और गजब गुलाब सी गमक रही गोरी गोरी, गोया गति गजब की जैसे गजगामिनी, और चांद सा है चेहरा चमकता है चांदनी में, लगती है श्याम जैसे मेघ बीच दामिनी। तो हर एक पंक्ति में बच्चों उपमा अलंकार की दिव्य छटा परिलक्षित हो रही है, या यूं कहें कि उपमा अलंकार अपनी पराकाष्ठा पर है तो अत्युक्ति नहीं होगी। तो वैसे आप को जो सरल लगे वही उदाहरण, जैसे मुख मयंक सम मंजु मनोहर, जिसको मैं आज तक बताता चला आ रहा हूं, आपको याद करने में भी आसानी होगी, यानी
मुख मयंक सम मंज मनोहर, ये है आपको याद करने में आसान रहेगा। किंतु मैं पहला उदाहरण अपना भी बता रहा हूं जो आपको अच्छा लगे। कुछ लोग, कुछ बच्चे जो हैं वो नया लिखना चाहते हैं, तो मैं नया यानी अपनी रचित कविता पहले ही लिख दे रहा हूं उदाहरण के रूप में। तो ये उदाहरण जो आपको याद करने में आसानी होगी, सरलता होगी। मुख मयंक सम मंजू मनोहर, हाँ देखिए बच्चों, इसका अर्थ है कि किसी सौंदर्य के किसी सुंदरी के सौंदर्य का प्रतिपादन है, किसी कामिनी की सुंदरता का वर्णन है। उसका मुख कैसे है? मुख मयंक सम, यानी मुख जो है मयंक यानी चंद्रमा के समान है, और चंद्रमा के समान किस तरह कोमल एवं सुंदर है। सुंदरी का मुख चंद्रमा के समान कोमल एवं सुंदर है। तो बच्चों मैंने परिभाषा बताया उपमालंकार की कि काव्य में जहां पर समान गुण धर्म के आधार पर उपमेय की समानता उपमान से की जाए वहां पर उपमा अलंकार होता है। तो यहां पर मुख जो है यह उपमेय है, उपमेय है, और मयंक उपमान है, समवाचक, और मंज मनोहर जो है यह साधारण धर्म है। देखिए, तो यदि आप से कोई प्रश्न करता है कि उपमा अलंकार की परिभाषा क्या है और आपको परिभाषा कंठस्थ है, आप बता दिए कि काव्य में जहां पर समान गुण धर्म के आधार पर उपमेय की समानता उपमान से की जाती है वहां पर उपमा अलंकार होता है, तो वह प्रश्नकर्ता तुरंत आपसे यह प्रश्न कर सकता है कि उपमेय और उपमान क्या है। तो आप बताएंगे हाँ बच्चों, जैसे आपसे यदि कोई उपमा अलंकार की परिभाषा उदाहरण से पूछता है तो आप बताएंगे, एक बार फिर सुन लीजिए कि काव्य में जहां पर समान गुण धर्म के आधार पर उपमेय की समानता उपमान से की जाती है वहां पर उपमा अलंकार होता है। उदाहरण, कनक थाल सा नील व्यों में जब दिल गर्भ गया तिमिर पलायन किया त्वरित ही एक पल ठहर न पाया। आप स्पष्टीकरण देंगे कि उपर्युक्त पंक्ति में नील व्यों अर्थात उपमेय में कनक थाल अर्थात उपमान की समानता की गई है। उपर्युक्त पंक्ति में दिलकर उपमेय में कनक थाल एवं उपमान की समानता की गई, अतः उपमा अलंकार है। या आपको यह न समझाए छोटा ही उदाहरण, मुख मयंक सम मंज मनोहर, यानी मुख जो है वो चंद्रमा के समान कोमल एवं सुंदर है, अतः यानी कहने का तात्पर्य कि उपमेय की समानता उपमान से की गई। मुख मयंक, मुख जो है उपमेय है, तो मुख उपमेय की समानता मयंक उपमान से की गई है, अतः उपमा अलंकार है। तो सही तो आप बतला दिए, किंतु प्रश्नकर्ता आपसे यह प्रश्न पूछ सकता है कि
उपमेय और उपमान है क्या, तो आप तुरंत बताएंगे कि उपमा के चार अंग होते हैं। प्रथम उपमेय, द्वितीय उपमान, तृतीय वाचक और चतुर्थ साधारण धर्म। उपमेय क्या है? जिसकी समानता की जाती है उसे उपमेय कहते हैं। जैसे मुख मयंक सम मंजु मनोहर में मुख की समानता की गई है, इसलिए मुख उपमेय है। और जिससे समानता की जाती है, जिसके द्वारा समानता की जाती है, वह उपमान होता है। तो मुख की समानता किससे की गई है? मयंक से, चंद्रमा से। तो जिससे समानता की जाती है वह उपमान होता है, इसलिए मयंक उपमान है। और उपमेय में उपमान की समानता को स्थापित करने के लिए जिस शब्द को माध्यम बनाया जाता है या जिस शब्द का सहारा लिया जाता है वह वाचक शब्द होता है, तो सम वाचक मुख उपमेय है और मयंक उपमान है, सम वाचक है। अच्छा, और जिस गुण के कारण उपमेय की समानता उपमान से की जाती है उसे साधारण धर्म कहते हैं। तो मंजू माने कोमल, मनोहर माने मन को हरने वाला अर्थात सुंदर, ये है साधारण धर्म। यानी इसी मंजुलता और मनोहरता के कारण ही मुख की समानता उपमान से की गई है। तो यह जिस गुण के कारण उपमेय की समानता उपमान से की जाती है। जी बोला। हाँ बच्चों, तो उपमा के चार अंग होते हैं, उपमेय, उपमान, वाचक और साधारण धर्म। तो जिससे समानता की जाती है वह होता है उपमेय, यानी मुख की समानता की गई है। जिसकी समानता की जाती है वह उपमेय होता है, मुख की समानता की गई है इसलिए मुख उपमेय है। और जिसके द्वारा समानता की जाती है वह उपमान होता है, तो मुख की समानता मयंक से की गई है, तो मयंक उपमान है। और उपमेय में उपमान की समानता स्थापित करने के लिए जिस शब्द को माध्यम बनाया जाता है वाचक शब्द होता है, तो समवाचक है। और जिस गुण के कारण उपमेय की समानता उपमान से की जाती है उसे साधारण धर्म कहते हैं। तो मंजू और मनोहर साधारण धर्म है। अब आप लोग उपमा अलंकार की चारों अंगों के बारे में अच्छी तरह जान गए। अब हम रूपक अलंकार के बारे में बतलाते हैं। तो रूपक अलंकार के बारे में, तो काव्य में जहां पर उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप होता है वहां पर रूपक अलंकार होता है। अब आपसे किसी ने पूछा कि रूपक अलंकार की परिभाषा बतलाइए, आपने यही परिभाषा बता दिया कि काव्य में जहां पर उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप होता है वहां रूपक अलंकार होता है, तो तुरंत पूछेगा कि भेद रहित आरोप क्या है। तो देखिए बच्चों, पहले मैं बता देता हूँ उदाहरण, तब उसके बाद मैं इसके बारे में बताता हूँ। तो रूपक अलंकार की परिभाषा आप समझिए कि काव्य में जहां पर उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप होता है वहां पर रूपक अलंकार होता है। उदाहरण, श्याम श्याम तिहारे पद कमल, हैं कितने अभिराम, श्याम तुम्हारे यारे पद कमल हैं कितने अभिराम, उभय पदों को हे प्रभो, उभय
पदों को हे प्रभो मेरा कोटि प्रणाम। क्या उदाहरण कि श्याम तिहारे पद कमल हैं कितने अभियान, उभय पदों को हे प्रभु मेरा कोटि प्रणाम। देखिए बेटा आप इसमें क्या लिखेंगे स्पष्टीकरण में कि उपर्युक्त पंक्ति में पद उपमेय में कमल उपमान का भेद रहित आरोप है। पद जो है यह उपमेय है और कमल क्या है उपमान। तो इस पद में कमल का भेद रहित पद में कमल का भेद रहित आरोप है यानी उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप है अतः रूपक अलंकार है। अब कोई भी प्रश्न कर सकता है कि ठीक है भेद रहित आरोप है लेकिन भेद रहित आरोप क्या है, भेद रहित आरोप क्या होता है। देखिए बेटा भेद रहित यानी भेद रहित आरोप का तात्पर्य यह है कि उपमेय में उपमान को इस तरह आरोपित कर दिया गया है कि दोनों में कोई भेद ही नहीं दिखाई देता कि उपमेय है तो उपमान। देखिए पद जो है पद में कमल को इस तरह आरोपित कर दिया गया है कि दोनों में कोई भेद नहीं है और इसी यदि पद को कमल के समान बताया जाता तब तो भेद रहित तब तो भेद भेद जान पड़ता। तो और तब यह पद को यदि कमल के समान बतलाया जाता तो यह उपमा अलंकार ना होकर के रूपक अलंकार अरे रूपक अलंकार ना होकर के उपमा अलंकार होता। तो यहां पद को कमल के समान नहीं कहा गया है बल्कि पद को सीधा कमल ही कह दिया गया है। यही है भेद रहित आरोप यानी पद और कमल में कोई भेद नहीं। तो अब दूसरा उदाहरण आप यह भी लिख सकते हैं कि चरण छोटा जवाब चरण कमल बंदों हरिराय सूरदास का है। फिर से एक बात परिभाषा आप सुन लीजिए इसका अर्थ हुआ कि मैं ईश्वर के कमलवत चरणों की वंदना करता हूं। वही हाँ बात उसका भी है वो मेरी रचना है ये सूरदास की रचना है। तो जब आप फिर से एक बार रूपक अलंकार के बारे में समझ लीजिए कि काव्य में जहां पर उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप होता है वहां पर रूपक अलंकार होता है। उदाहरण चरण कमल बंदो हरिराय स्पष्टीकरण देंगे कि उपर्युक्त पंक्ति में चरण चरण उपमेय में कमल उपमान का भेद रहित आरोप है अतः रूपक अलंकार है। अब उत्प्रेक्षा अलंकार के बारे में बताएंगे थ्री बच्चों। अब मैं उत्प्रेक्षा अलंकार के बारे में बतलाने जा रहा हूं। उत्प्रेक्षा का अर्थ है संभावना। तो काव्य में जहां पर उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट होती है यानी उपमेय को देखकर लगता है जैसे वह उपमान हो। तो काव्य में जहां पर उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट होती है साथ ही मन मानो मानव मनो मनो जन जानो जानव जनो जनम आदि वाचक शब्दों का प्रयोग होता है वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। एक बार आप फिर सुन लीजिए काव्य में जहां पर उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट होती है साथ ही साथ मन मानो मानव मनो मनो
जन जानो जानो जनो जनो आदिवाचक शब्दों का प्रयोग होता है वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उदाहरण, ये जो पानी का विभत्स दृश्य दृष्टिगोचर हो रहा है, चतुर्दिक बाढ़ आई हुई है, असम बंबई आदि स्थानों पर हाहाकार मचा हुआ है, तो उसी के बारे में वहां के लोग त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहे हैं, परेशान हैं, तो क्या कह रहे हैं उनके बारे, पानी के बारे में, पानी बूंद बूंद गिरता है, ये मेरी रचना, पानी बूंद बूंद गिरता है पृथ्वी के इस वक्ष स्थल पर, मानो भीषण काल दौड़ता निर्धन और पीड़ित नरदल पर। आप स्पष्टीकरण करेंगे कि उपर्युक्त पंक्ति में उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की गई, यानी जो बूंद बूंद पानी गिर रहा है उसमें गरीबों को और पीड़ित व्यक्तियों को महाकाल का दर्शन हो रहा है। वो समझ रहे हैं कि पानी नहीं, मेरे लिए महाकाल है, ये कभी भी जान ले सकता है। तो यानी एक एक बूंद पानी में उन्हें काल दिखाई दे रहा है, यानी उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट हो रही है, और साथ ही साथ मानोवाचक शब्द का भी प्रयोग हुआ है, मानो, अतः उत्प्रेक्षा अलंकार है। दूसरा उदाहरण जो मैं अब तक आपको प्रायः बतलाता रहा हूं कि बालधीप, तुलसीदास जी का जो बालधीप विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो लंक लीली भेको काल रसना पसारी है, यानी जब हनुमान जी लंका दहन कर रहे थे तो उस समय हनुमान जी की विशाल पूंछ में लगी हुई आग की भयंकर लपटों को देख करके ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे लंका को निगल जाने के लिए काल ने अपनी जिह्वा फैला दी, अपनी जीभ निकाल ली है। तो यहां पर हनुमान जी की विशाल पूंछ में लगी हुई आग की भयंकर लपटों को देखकर लग रहा है जैसे काल की जीभ हो, यानी उपमेय को देखकर लग रहा जैसे उपमान हो, और साथ ही साथ उसमें भी मानव शब्द का प्रयोग हुआ है, इसलिए उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब आप भी हाँ बच्चों, अब मैं संदेह अलंकार के बारे में बताने जा रहा हूं। सुनो, रूप हाँ, काव्य में जहां पर रूप आकार आदि के सादृश्य के कारण उपमेय में उपमान का संशय बना रहे, यह समझ में न आए कि यह उपमेय है अथवा उपमान, तो वहां पर संदेह अलंकार होता है। जैसे कुछ देखा जब तिमिर में, कुछ देखा जब तिमिर में, मेरी रचना, हुआ पथिक बेहाल, कुछ देखा जब तिमिर में हुआ पथिक बेहाल, बोला है महिषा की। महिषा यानी महिषा, या गयंद विकरा,
देखिए बच्चों, महिषा यानी नर भैंस को कहते हैं महिषा। देखिए महिष भी कहते हैं, भैंस को महिषी कहते हैं। और महिषी यानी जिस रानी का राजा के साथ राज्याभिषेक होता है उसको भी महिषी कहते हैं। तो लेकिन किसी महारानी को अगर महिषी कह दो यानी भैंस तो गुस्से में आ जाएगी। तो ऐसी गलती मत करना सब जगह। तो ये उदाहरण है कि काव्य में जहां पर रूप गुण और आकार के सादृश्य के कारण उपमेय में उपमान का संशय बना रहे, यानी अर्थात यह समझ में न आए कि यह उपमेय है अथवा उपमान, वहां पर संदेह अलंकार होता है। जैसे कुछ देखा जब तिमिर में हुआ पथिक बेहाल, बोला है महिषा कोई या गयंद विकराल। गयंद यानी हाथी। गहन अंधकार में राही ने कुछ देखा तो सोचने लगा कि पता नहीं ये भैंसा है अथवा विकराल हाथी है, जबकि न वो भैंसा है और न हाथी है, वो तो अंधेरा है। अंधेरे में वैसे पथिक को आभास हो रहा है कि पता नहीं हाथी है या भैंसा। फिर उसने मन में सोचा कि कुछ भी हो, चाहे हाथी हो या भैंसा हो, अपने को क्या करना है, मैं यहां से चला जाता हूं। तो वह अगर उपमेय में उपमान का संशय हुआ और कुछ बिना सोचे समझे वहां से चला गया, कुछ भी हो, चाहे उपमेय हो या उपमान हो, चाहे कुछ भी हो, तो वह तो संदेह अलंकार होता है वहां पर। जैसे कि जब हनुमान जी लंका दहन ही कर रहे थे तो ऊपरी पंक्ति जैसे मैंने उत्प्रेक्षा अलंकार में बताया कि बाल दी विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो लंक लीलिबे को काल रसना पसारी है, तो वो तो ऊपरी पंक्ति तो उत्प्रेक्षा अलंकार की है, लेकिन नीचे जो पंक्तियां हैं उसमें संदेह अलंकार है कि कैधो बीच का भरे है भूरी धूम के और वीर रस वीर तरवार ही उघारी है। कि हनुमान जी की पूंछ को देखकर लग रहा है कि जैसे आकाश मार्ग पुच्छल तारों से भर गया है, अथवा ऐसा लग रहा है कि कोई वीर वीर रस से ओतप्रोत होकर के हाथ में नग्न तलवार लिए हुए अपना पराक्रम दिखा रहा हो, संदेह है। दूसरा उदाहरण कि नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है, कि नारी ही कि सारी है कि सारी ही कि नारी, तो आप कोई भी उदाहरण दे सकते हैं। वैसे मेरी समझ से ये जो मेरा उदाहरण है, मेरी रचना, ये बहुत ही अच्छा है कि कुछ देखा जब तिमिर में हुआ पथिक बेहाल, बोला है महिषा कोई या गयंद विकराल। तो बड़ी पंक्ति में उपमेय में उपमान का संशय बना हुआ है, अतः संदेह अलंकार है। अब हम भ्रांतिमान अलंकार के बारे में बतला दिए जा रहे हैं। हाँ बच्चों, अब मैं भ्रांतिमान अलंकार के बारे में बतला रहा हूं। तो काव्य में जहां पर उपमेय में उपमान का भ्रम हो, तदनुसार क्रिया भी हो। जहां पर उपमेय में उपमान का भ्रम हो और उसी के अनुसार क्रिया भी, वहां पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। और यदि उसी के अनुसार क्रिया नहीं होती तो अब भ्रांतिमान अलंकार ना होकर के संदेह अलंकार हो जाएगा। जैसे उदाहरण है कि रज्जु देख कर रात्रि में, तो उदाहरण है बेटा कि रज्जु देख कर रात्रि में मन में किया विचार और सर्प समझ कर पथिक ने उस पर किया प्रहार। एक राहगीर पथिक मार्ग से जा रहा था और रात का समय था, गहन अंधकार था, एक टेढ़ी मेढ़ी रस्सी दिखाई दी, तो उस राही ने समझा कि ये सांप है, लाठी लिए हुए था, बस दनादन उस सांप के ऊपर प्रहार किया। तो रज्जु यानी रस्सी, रज्जु देख कर रात्रि में यानी पथिक ने रात में रस्सी को देखा और मैंने विचार करने लगा कि
सर्प है और फिर उस पर प्रहार कर दिया। तो यदि यदि उस पथिक ने उस पर प्रहार न किया होता तब वो भ्रांतिमान अलंकार ना होता, तब वो संदेह अलंकार हो जाता, तब वो सोचता पता नहीं सांप है कि क्या है क्या है, ये तमाम बातें सोचता। किंतु वह उसको अच्छी तरह से समझ में आ गया कि ये सांप ही है, बस उस सांप उसके ऊपर उसने प्रहार कर दिया। तो यही जहां पर उपमेय में उपमान का भ्रम हो और तदनुसार किया भी हो, यानी उस पराही को उस रस्सी में सर्प होने का भ्रम हो रहा है कि ये रस्सी नहीं सर्प है, बस उसने प्रहार कर दिया। तो यदि में उपमान का भ्रम होता है और उसके अनुसार क्रिया भी होती है तो वहां पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। जैसे उदाहरण दूसरा जो मैं आप लोगों को बताता हूं कि भूल गया, चलो देखिए हम दूसरा उदाहरण मुझे जो आप लोगों को बताता हूं उस समय हाँ याद आ गया। बिल विचार कर नाग सुन्न में घुसने लगा बिसैला सांप, और काली ईख समझ बिस्धर ने बिस्धर को उठा लिया तब गजने आप। बिल विचार कर नाग सुन्न में घुसने लगा बिसैला सांप, काली ईख समझ बिस्धर को उठा लिया तब गजने आप। अर्थ है कि सांप ने हाथी की सूंड को समझ लिया कि ये बिल है और उसमें घुसने लगा, और उधर हाथी ने भी समझा कि काला गन्ना है वो भी चूसने लगा। तो उपमेय में उपमान का भ्रम हो रहा है, उसके अनुसार क्रिया भी हो रही है, इसलिए भ्रांतिमान अलंकार है। अब अतिशयोक्ति अलंकार।